नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुत्व में आपका हार्दिक स्वागत है। बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ और नॉलेज से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस 6 राशि वाले लोगों को मिलेगा कुबेर का खजाना। इस बार की दिवाली किस किस राशि के लिए खास है, यानी कौन सी 6 राशियों को माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा मिलेगी, कौन कौन से योग इस दिवाली पर बन रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आपकी राशि इन 6 राशियों में नहीं है तो हम हर एक राशि के लिए वीडियो के एंड में उपाय बताएंगे। आप उन उपायों को करके माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा पा सकते हैं और पूरा साल आपका धन धान्य से समृद्ध रह सकता है। उन 6 राशियों को जानने से पहले हम जानते हैं कि इस बार दीपावली पे क्या विशेष योग बन रहे हैं जिससे ये 6 राशि वालों को फायदा होगा, यानी कि माता लक्ष्मी जी की इनको धन लाभ और अपनी कृपा देंगी। दीपावली का त्यौहार हम जानते हैं आने ही वाला है। इसी सीजन में लोग खरीदारी करते हैं और इस साल की दिवाली कई मायनों में विशेष है, क्योंकि 27 साल बाद दिवाली पर गुरु और चित्र नक्षत्र का महासहयोग बन रहा है। इस सहयोग में माता लक्ष्मी जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। यदि आप इस नक्षत्र में, यानी कि जो योग इस बार बन रहे हैं उसमें आप कोई अगर आसान उपाय भी करते हैं तो माता रानी जल्दी खुश होती है और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है, आपके घर को धन धान्य से भरती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, नक्षत्र मेखला के हिसाब से ऐसा सहयोग अब 4 साल बाद 2021 को ही बनेगा। 19 अक्टूबर सुबह 7:25 पर यह सहयोग स्टार्ट होगा, जो कि अगले 24 घंटे तक रहेगा। अब से पहले यह सहयोग 1990 में बना था, तो अधिकांश लोग शाम के वक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन इस साल दीपावली की शाम 5:54 से हम 8:26 तक काल रहेगा। इस बार की दिवाली की खास बात यह है कि 12 साल बाद लक्ष्मी पूजा के लिए चतुरहरि योग बन रहा है, जो शाम 8 के बाद शुरू होगा, जिसमें सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु चारों ग्रह तुला राशि में होंगे। इस साल की दिवाली इसलिए भी खास है, इस बार 7 चौघड़ियां और 1 अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। 2 लग्न मिलकर दिन और रात आपको खरीदारी के लिए शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं किस राशि के लिए ये शुभ रहेगा, और इस 6 राशि के बाद हम आपको उन राशियों के बारे में बताएंगे जो इन 6 राशियों में नहीं आती हैं। तो अगर आपकी राशि इन 6 राशि में नहीं है तो आप अपनी राशि के अनुसार उपाय कर माता लक्ष्मी का पूर्ण कृपा पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन 6 राशियों के बारे में। उनमें से सबसे पहले राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है मकर और तीसरी राशि है कुंभ। फिर आती है मिथुन और मीन राशि वालों के लिए ये दिवाली बहुत खास रहेगी और ये दिवाली के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये 6 राशि वालों को कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए। आटे की 108 गोलियां बनाकर मछली को खिलानी है, या 11 हकीक के पत्थर लेके अपने घर पे किसी कोने में कच्चे स्थान पर गढ़ सकते हैं, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो माता लक्ष्मी रोशनी से बहुत खुश होती है, तो दिवाली पर जितने ही हो सके उतनी ज्यादा रोशनी करें। साथ ही आपको बता दें, इन 6 राशि वालों को धनतेरस से ही माता लक्ष्मी की कृपा पानी स्टार्ट हो जाएगी, या लोग गाय को हरी सब्जियां खिलाएं जिनसे इसके लिए शुभ योग बन जाएंगे। तो आइए अब बात करते हैं राशि के अनुसार दिवाली पर क्या क्या करना होगा। दिवाली पर सभी राशि पर विभिन्न दशा का प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा समय समय पर ग्रह की चाल भी बदलती है, इसलिए जरूरी है दिवाली पर आप अपनी राशि और दशा के अनुसार उपाय कर इच्छा के अनुसार फल पा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए उपाय है, आपको दिवाली पर गुस्सा नहीं करना है और किसी से भी मुफ्त में कोई सामान ना लें। अगर आपको कोई उपहार या गिफ्ट देता है तो आप भी उसे बदले में कुछ गिफ्ट दें। दिवाली के दिन खासकर लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा लाल वस्त्र, लाल फूल और लाल चंदन से करें। बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लोग खासकर नए रेशमी पहनकर सुगंधित अतर लगाएं और किसी भी मंदिर में गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। यह आपके लिए बहुत आसान उपाय है। घर के मुख्य दरवाजे पर 2 घी के दीपक जलाएं। अब अगर बात की जाए मिथुन राशि के लिए, तो वो दिवाली की रात में शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी को नारियल चढ़ाना चाहिए और दिवाली पर मसालेदार खाने से परहेज रखना चाहिए।
और किसी के साथ भी कड़वे वचन का प्रयोग ना करें। स्त्रियों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। इस राशि के जातकों को इस दिन सोना धारण करना चाहिए और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। किसी भी पंडित और जरूरतमंद आदमी को 1.25 किलो उड़द का दान करना चाहिए। अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को दीपावली के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और जो लोग आंख से देखने में असमर्थ हैं उनके बीच मिठाइयां बांटें। लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद शंख जरूर बजाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। इन लोगों को पूजा के वक्त रेशमी कपड़े धारण करने चाहिए। रेशमी कपड़े का आसन बिछाइए और उस पर बैठकर पूजा करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। इस राशि के जातकों के लिए दिवाली के दिन से ही घर में 5 दिनों के लिए गौमूत्र का छिड़काव करना है और दिवाली की रात में दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आप लोग दिवाली के दिन किसी मंदिर में केले के 2 पेड़ लगाएं और हनुमान जी के मंदिर सिंदूर, लाल वस्त्र और मोती चूर लड्डू का भोग लगाएं। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आप लोगों को पिता, गुरु या बड़े लोगों को गिफ्ट आवश्यक देना है। लक्ष्मी पूजा की रात पीपल को जल अर्पित करके घी का दीपक जलाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। इनको चाहिए कि इनको दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। लक्ष्मी के पूजा में रेवड़ी और उजले तेल की मिठाइयों का भोग लगाना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। दिवाली की रात माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है और इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों के बीच बांटना है। अब बात करते हैं मीन राशि के बारे में। जिनको दिवाली की शाम को शनि मंदिर में दीपक जलाना है और तेल और काली उड़द का दान करना है। दोस्तों, हमें आशा है आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। शुक्रिया।